गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है और हम छत पे जा रहे हैं। दोनों के दोनों बैठे हुए देख सकते हो, लूसी और किटी। अभी सुबह का टाइम है तो अभी हम इन दोनों को ऊपर लेकर के आए हुए हैं घुमाने के लिए। एक का तो पैर ही टूट गया, तोलू ने पैर तोड़ दिया है। आप देख सकते हो किटी अभी कितनी कमज़ोर और पतली हो चुकी है, पहले से ज़्यादा डल भी हो चुकी है। ज़्यादा उतना खाना भी नहीं खा रही है, लगभग 2-3 दिन से अच्छे से खाना नहीं है खा रही है। और अभी दोनों भी खेलेंगे कुछ देर तक। किटी तो बेचारी अब उतना खेल नहीं पाती है, लूसी है तो वही खेल सकती है। और ये देखो किटी बेचारी मासूम सी बैठी हुई रहती है, कभी इधर कभी उधर। मतलब इसका पैर टूट गया है ना, वो साइड से थोड़ा सा फ्रैक्चर नहीं हुआ, मतलब जो होता है ना नस चढ़ जाता है, उस तरह से इसका नस चढ़ गया। और ज़्यादा मतलब खा पी नहीं रही है, पहले से ज़्यादा एकदम पतली भी हो चुकी है। और तोलू इसके साथ इतना खेलने के वजह से झगड़ा करते रहता है गाइस, क्या ही बताओ मैं। इसका पैर टूट तोड़ दिया, हाथ भी तोड़ दिया। ये देखो लूसी का स्टाइल सोने का, ऐसे डॉग जिस घर में भी सोते हैं ना, डॉग अपने उस घर को अपना मान लेते हैं कि मेरा घर है, उस तरह से सोते हैं, फैमिली मान लेते हैं। और देख सकते हो दोनों साथ में खेलते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। अभी मॉर्निंग टाइम है और अभी हम इन दोनों को खिलाएंगे, देखते हैं कैसा वेदर रहता है, वेदर के अनुसार डिसाइड किया जाएगा कि नीचे लेकर के जाना है कि नहीं। किट्टी तो अभी चल नहीं पा रही है तो इस वजह से वो इतना दौड़ नहीं रही है, वरना अगर किट्टी चलती तो आप इसका भी रफ्तार देखते कितना तेज़ दौड़ती है। अभी बेचारी का पैर टूट गया तो अभी उतना इधर उधर जा नहीं पा रही है। आप देख सकते हो किट्टी कैसा बिहेव कर रही है। किट्टी का भी लगभग एज 6 या 7 महीने इसका हो चुका है, किट्टी का हो चुकी है, कम से कम 1.5 साल लगेगा और भी अभी बॉडी ग्रोथ करने में। ठंड का मौसम आएगा तभी हम इसको अंडा या फिर चिकन खिलाना चालू करेंगे। मतलब ज़्यादा अभी तो सावन है गाइस, तो सावन में तो हम अपने घर में तो बनाते ही नहीं है ये सब चीज़, तो हम भी तो खिला नहीं सकते ना, तो इसलिए अभी थोड़ी सी पतली है और अभी खा नहीं रही है। देखते हैं क्या होता है। लीवर टॉनिक एक बार पिलाएंगे अभी मॉर्निंग टाइम फिर से, क्योंकि लीवर टॉनिक पिलाते हैं तो थोड़ा बहुत खा लेती है। मेरे ख्याल से इसका गैस का प्रॉब्लम होगा, यही हमको लगता है। ऐसे कीड़ा का दवाई मैंने एक बार दे चुका है, तो अभी जा रहा हूँ मतलब लूसी का ही जो रखा हुआ है लीवर टॉनिक, उसमें से लीवर टॉनिक थोड़ा सा निकाल करके और इसको पिलाऊँगा और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। शायद कुछ खा ले। अभी दोनों खेल रहे हैं, देख रहे हो कैसे गाइस खेलते हैं दोनों। वो उसको काटती है, वो उसको काटता है, लूसी को फिर धीरे धीरे इसके साथ मन लगता है, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं अच्छा। और आप देख सकते हो मॉर्निंग टाइम दोनों अच्छे से खेलते हैं। अभी सुबह हो चुका, अभी ज़्यादा लोग उठे भी नहीं हैं, हम तो अभी सुबह सुबह लेकर के इसको ऊपर छत पे चले आए हैं। अभी छत पे दोनों को घुमाएंगे गाइस। और देख सकते हो किट्टी बेचारी मासूम सी ताक रही है, सिर्फ मतलब बैठ करके देखते रहती है। पैर टूट गया तो उतना चल नहीं पाती है ना, बहुत कम चल पाती है, इसी वजह से लूसी इसको फोर्स कर रहा है कि चलो उठो, बट बेचारी उठ नहीं पा रही है। पैर टूट चुका है ना इसका, पैर टूटा नहीं मुझका हुआ है, नस चढ़ गया, इस वजह से उतना घूम नहीं पाती है। और देख सकते हो लूसी इसको बोल रहा है कि चलो, बट बेचारी उठ नहीं सकती है, फिर भी देख रहे हो कैसे कर रही है, मतलब एक पैर से ही बट कोशिश कर रही है। देख रहे हो कैसे पैर, एक पैर नहीं अच्छे से उठा पा रही है गाइस, आपको दिख ही रहा होगा। देखो 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 पैर उठा हुआ है ना, उसी तरह से गाइस पैर उठाई हुई रखती है बेचारी, आखिर कर भी क्या सकती है। अभी उतना ज़्यादा इसका बॉडी ग्रोथ भी नहीं हुआ था और तोलू ने इसका मार करके पैर तोड़ दिया। यार बच्चे घर में होते तो प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अब हम कर ही क्या सकते हैं। अब इसका लोशन और दवा लेकर के आए हुए हैं, लोशन से इसका मसाज करते हैं मॉर्निंग टाइम, और अभी इवनिंग टाइम भी अब चालू करेंगे मसाज करना। और अभी देखते हैं कितना जल्दी रिकवर कर पाती है पैर को अपना। ये पैर इसका रिकवर हो जाएगा गाइस तो उसके बाद बस ज़्यादा दिन नहीं, सावन लगभग 1 से 1 मंथ और रहेगा। 1 मंथ के बाद फिर इसको एक खिलाना चालू करेंगे, तो एक के साथ इसको पेडिग्री देंगे तो ऑटोमेटिकली खाना चालू कर देगी। बस ठंड का मौसम आ जाए उसके बाद तो यार रेगुलरली अगर खिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़े है। उसके बाद इसका भी बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छा होने लगेगा। अभी गर्मी का मौसम है तो उतना अंडा वंडा खिलाते नहीं है, और घर का खाना और पेडिग्री उतना खाती नहीं है, कम खाती है, बहुत ज़्यादा कम खाती है गाइस। फिर भी हम सब कोशिश कर रहे हैं खिलाने की। यार लूसी भी देख रहे हो कितना दौड़ती है, लूसी मतलब दौड़ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, अकेले कभी कभी मूड बनता है दौड़ती है। मॉर्निंग टाइम घुमाने लेकर जाते हैं तो उस टाइम दौड़ती नहीं है, बस इधर से उधर बस घूमेगी सिर्फ। और अभी छत पर बहुत ज़्यादा तेज़ में दौड़ती है लूसी भी। किट्टी भी बेचारी कोशिश करती है चलने की,
बट चल तो पा नहीं सकती क्योंकि उसके पैर में तो चोट लगा हुआ है गाइस। बेचारी बैठ करके बस ताकते रहती है, थोड़ा बहुत कोशिश करती है दौड़ने की बट उतना नहीं दौड़ पाती, ज़्यादा दौड़ती है पैर में दर्द हो जाता है इसका। अब देख सकते हो अभी नीचे चलते हैं, लगता है कि वो दोनों नीचे चले गए, तो मूड बनता है तो नीचे चले जाते हैं, मूड बनता है तो ऊपर आ जाते हैं। अब देख सकते हो किट्टी कितने प्यार से मासूम से बस देखते रहती है उसको। अब ये लाया हुआ है उसका पट्टा कि पट्टा में इसको बांधो, बांध के नीचे ले चलो, बट पट्टा भी लेके फिर भाग गया। अभी मतलब खेलते रहते छत पे ज़्यादा टाइम, ये सब दोनों खेलते ही हैं। वो लूसी का ही कम्बल है वो जो उसके लिए बिछा हुआ था नीचे, बट ठंड का मौसम नहीं था तो साइड में ऐसे रखा हुआ था। अब ठंड का मौसम शायद सावन बाद चालू हो जाएगा इसलिए हम ऊपर ला करके भी सुखाने के लिए हमें छोड़े हुए हैं। और भी नए ब्लॉग्स आते रहेंगे गाइस, आप सबका सपोर्ट रहा तो